हेलो दोस्तों, कैसे हैं? टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आज हम ट्रांसफार्मर, जी हां दोस्तों, यूपीएस, जो पुराना फेंकाया हुआ यूपीएस होता है जो किसी कंप्यूटर दुकान में आपको मिल जाएगा, या आपके पास भी कोई यूपीएस होगा जो वर्क नहीं करता है, हम उसका ट्रांसफार्मर निकाल लेंगे। और यह ट्रांसफार्मर आपको एक तरह से फोकट में ही मिलेगा। हम किसी भी कंप्यूटर शॉप में अगर खराब फेंकाया हुआ यूपीएस खोजते हैं तो हमें यह उसमें से निकाल लेंगे तो फोकट में ही पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यह फोकट का ट्रांसफार्मर, इस फोकट के ट्रांसफार्मर से हम अपने एम्पलीफायर में 12 वोल्ट का सप्लाई देने के लिए इसे यूज कर सकते हैं, या इससे बैटरी चार्जर बना सकते हैं। बहुत ही ये दोस्तों, यह ट्रांसफार्मर बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें आप 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, या अपना 12 वोल्ट का आप जो भी यूज करना चाहें, चाहे एम्पलीफायर में चाहे किसी और में, तो हम इसकी सहायता से 12 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह दोस्तों आइए कैसे, यह दोस्तों इस वीडियो में आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको खेलने को भी मिलेगा, आपकी समझ भी बढ़ेगी दोस्तों। यह दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को यूपीएस से निकालते हैं तो हमें मन में डर रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसी डर को हमें भगाना है। हमें हमेशा खेलते रहना है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स से, ताकि हम अपने डर को हटा सकें और कुछ ज्ञान की बातें सीख सकें और नॉलेज हो सके कि हम पकड़ते साथ कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा वायर क्या है, इस टाइप से। तो दोस्तों यह ट्रांसफार्मर यूपीएस से निकला हुआ है, और इसका एक तरफ यह मोटा वायर, रेड और ब्लू मोटे वायर, जिसमें मोटा वायर लगा हुआ है, और एक तरफ पतले वायर लगे हुए हैं जिसमें 4 वायर लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें हम सप्लाई कैसे देंगे ये भी है कि हम प्राइमरी किसको मानेंगे, इसे भी सीखना है कि हम इस ट्रांसफार्मर को अगर हम देखें और हम इसे चेक करें तो हमें मालूम हो जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग कौन सी है। प्राइमरी बाइंडिंग में हम 220 वोल्ट डायरेक्ट बिजली का देते हैं, और जो सेकेंडरी बाइंडिंग रहता है उसमें इस कोर के जंप के द्वारा एसी बनता है, तो वह डाउन, जी हाँ 220 का हम नीचे डाउन करते हैं, तो हमें 24 वोल्ट या 12 वोल्ट जैसे रिक्वायरमेंट रहते हैं उसके अनुसार से हम अपना ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है और प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है। भाई इसमें 2 वायर निकला है तो यह प्राइमरी वाइंडिंग होगी, इसमें 4 वायर निकला है तो यह सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, नहीं, इसी चीज़ को हमें देखना है। हम आराम से पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। देखिए, सबसे पहले यह मोटा वायर का यूज किया गया है इस तरफ, और इस तरफ पतला वायर का यूज किया गया है। मोटा वायर को हम क्यों यूज करते हैं? मोटे वायर को हम डीसी सप्लाई के लिए जब हम यूज करते हैं जिसमें करंट ज़्यादा रहता है, तो हमें वहाँ पर मोटी वायर की ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे कि जो पतला वायर, एकदम पतला वायर हम बिजली से लगाते हैं, वह पतला वायर रहता है एसी का, लेकिन जब एम्पलीफायर आप खोलेंगे तो अंदर देखेंगे तो सर्किट में जो एक वायर जाता है डायरेक्ट सप्लाई जो जाता है डीसी का, वह मोटा वायर रहता है। क्यों? क्योंकि सर उसमें करंट की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हम उसे मोटे वायर में यूज करते हैं ताकि उस करंट को सहने की क्षमता रहे। तो पहले नज़र में ही हमको यह भले 2 वायर दिख रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि यह एसी इन होगा, लेकिन एसी इन नहीं है, एसी आउट है। यह डीसी के लिए यूपीएस में काम आता था, तो अभी भी हमारा यह आउटपुट ही बनेगा, तो हम इसको आउटपुट मानेंगे और इसको इनपुट मानेंगे। क्यों मानेंगे? बिल्कुल हम चेक करेंगे और उसके बाद मानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाइंडिंग कैसी है और किस वायर, इधर या इधर, हम किधर बिजली का तार जोड़ेंगे और किधर बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर को बीप साउंड वाले में, यानी कि हम जो ओम चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसमें ले आएंगे। तो हम उसकी सहायता से थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों इसे हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बनाएंगे और वोल्ट भी निकालेंगे, और हम उससे आपको दिखाएंगे भी कि हम इस ट्रांसफार्मर की सहायता से 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ी तो 5 वोल्ट इसमें से निकालेंगे, अगर हमें 9 वोल्ट की ज़रूरत है सर्किट में तो 9 वोल्ट इसमें से निकालेंगे, 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट निकालेंगे। दोस्तों 24 वोल्ट निकालेंगे क्या? नहीं, 24 वोल्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये आउटपुट ही नहीं देगा, इसे हमें और डिजाइनिंग करना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
सबसे पहले हम अपना मीटर को बीप वाले में, कंटिन्यूटी चेक करने वाले में सेट कर लेंगे। अब हम इसे चेक करते हैं, हमें मालूम नहीं है कि कौन सा वाइंडिंग है या इस तरफ का प्राइमरी या सेकेंडरी क्या है। हम इसे कंटिन्यूटी मोड पे चेक करते हैं, ओम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना ओम ये रेजिस्टेंस दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 0-0, बिल्कुल 0-0। इसका मतलब ये है कि इसकी बाइंडिंग कम है। कम बाइंडिंग होने की वजह से यह हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है। अगर हम इसमें एसी डालेंगे तो तुरंत जल जाएगा। उसी प्रकार हम इधर ये चार ठो वायर है, चारों वायर को हम चेक करेंगे तो हमें यह तो ब्लैक वायर दिख रहा है। तो ब्लैक वायर को जनरली हम इसलिए यूज करते हैं कि वह कॉमन रहता है, यानी कि शुरुआत बाइंडिंग रहती है। तो इसी को हम पहले पकड़ लेते हैं बाइंडिंग, उसके बाद हमें ग्रीन, ब्लू और येलो। जी हाँ दोस्तों, अब बड़ी बड़ी से चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, रेजिस्टेंस आया 15 का एक में। ब्लू वाले में चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस आया 14 का, कम हो गया, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे 17, इसमें 17 का रेजिस्टेंस आ रहा है और इसमें आ रहा है 15 का, इसमें आ रहा है 14 का, 14, 15 और 17। तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग इसमें होगी, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम बॉबिन में जब कॉपर को लपेटेंगे तो हम अगर ऐसे करके लपेट के एक बार में तार को निकाल के ले आए, अब हम जब उससे बिजली में छुआएंगे तो भग से उड़ जाएगा। एक बार हम एक तार, इतनी लंबी तार को अगर हम छुआएंगे तो जल जाएगा। दो बार छुएंगे तो भी जल जाएगा, तीन बार वाला बाइंडिंग को छुएंगे तो भी जल जाएगा। यानी कि हमें एक टर्न, ऐसा टर्न प्राप्त करना है कि जब हम उसको घुमाते रहें तो जब हम उसे बिजली में लगाएं तो वह शॉर्ट होने के बजाय हमें एक कॉइल के रूप में बन जाए और उस 220 वोल्ट को सहने की वह क्षमता रखे। हमें इतना टर्न घुमाना है तब जाके वह कॉपर वाइंडिंग हमारे एसी को सह सकेगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम इस पहले वाले, इसको हमने इसको अभी चेक किया, इसकी करंट कंटिन्यूटी चेक की, इसमें पता करने की कोशिश की कि रेजिस्टेंस कितना है, तो 0-0 मतलब कम बाइंडिंग। बाइंडिंग तो हुआ है, बाइंडिंग हुआ है, लेकिन कितना वोल्ट के अनुसार हुआ होगा? 12 वोल्ट के अनुसार हुआ होगा। 0-0 बता रहा है, एकदम कम बाइंडिंग हुआ होगा। तो सबसे कम बाइंडिंग किस में होगी? सेकेंडरी बाइंडिंग में होगी, क्योंकि हमें इसमें एसी देना नहीं है। इसमें से तो एसी जंप करके अपने आप बनेगा। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट की एसी डालेंगे तो यह कोर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इस कोर की वजह से करंट जंप करेगा और 12 वोल्ट के आसपास जंप करके हमें इधर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में कोई भी टच नहीं रहता है, अलग अलग रहता है, बीच में एयर रहता है। आपने देखा होगा सिंबल ऐसा करके और ऐसा करके बीच में एयर का गैप रहता है। तो प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग टच नहीं रहता है। प्राइमरी बाइंडिंग जो ज़्यादा बाइंडिंग रहती है, एकदम जो 220 वोल्ट सहने की क्षमता रखता है, उस बाइंडिंग में हम करंट 220 वोल्ट का जो वोल्ट देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो वह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद ऑटोमेटिक इस बोर्ड की सहायता से जंप कर देता है। और कितना जंप करता है? जी हाँ, हम जो बाइंडिंग हम यूज करते हैं, जितना बड़ा कोर यूज करते हैं, जितनी बड़ी बॉबिन यूज करते हैं, उसके अनुसार से वह करंट जंप करता है। अगर हमें 12 वोल्ट चाहिए तो इस हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे, 24 वोल्ट चाहिए तो उस हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे, और 70 वोल्ट चाहिए तो उस हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे, और 96 वोल्ट, 55 वोल्ट चाहिए तो उस हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे। तो आपने देखा होगा कि छोटा ट्रांसफार्मर, बड़ा ट्रांसफार्मर, और बड़ा ट्रांसफार्मर, और बड़ा ट्रांसफार्मर, और पावर एम्पलीफायर में वो गोल वाला और बड़ा ट्रांसफार्मर जिसको उठा नहीं पाते हैं, तो वह अपने डिजाइनिंग की वजह से, उस क्षमता की वजह से हमें करंट पास करके सप्लाई देता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको हमने मल्टीमीटर से चेक किया तो 0-0 रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि बाइंडिंग कम है, तो यह सेकेंडरी हो गया। और इसमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है, किसी में 14, किसी में 15 और किसी में 17। हम एक बार और चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमने इस तार को लिया और ऐसा करके इसको चेक किया तो इसमें आ रहे हैं 14, इसमें आ रहे हैं 16 और इसमें आ रहे हैं 17। और हम चेक कर लेंगे वायर को चेंज कर करके कि किसी में कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, किसी में जैसे इसमें 2 हो गया, कम बैंडिंग है। अगर इन दोनों में हम बिजली डाल देंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा।
चार आ रहा है रेजिस्टेंस ओम इसमें, तो तीन आ गया। तो अगर हम इसमें भी बिजली 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो यह जलने का संभावना बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जो टर्न है कॉपर का वह कम हो गया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम ब्लैक वायर को ले रहे हैं और इस ग्रीन को ले रहे हैं, तो हमें इस ट्रांसफार्मर में इस तरफ सबसे ज़्यादा बाइंडिंग हमें इन दोनों वायर में मिल रहा है और इन दोनों वायर में कम मिल रहा है। तो इन दोनों वायर का हमें कोई यूज नहीं है, इसे हम बांध देंगे, इसके हमें यूज नहीं करना है, है ना। और शॉर्ट सर्किट ना हो इस वजह से इसे हम इसको यहाँ से थोड़ा कट कर देते हैं ताकि इसमें वायर ना रहे। ठीक है दोस्तों, ये और हमें अब इस दो वायर को यूज करना है। तो अभी दो वायर मिल गया तो न्यूट्रल और फेस सीधा हम उसमें घुसा देंगे। एक पुराना कार्ड है, इस पुराने कार्ड को मैं यूज कर ले रहा हूँ ताकि उसे हम इंसर्ट करने में, प्लग करने में आसानी हो। प्लस माइनस नहीं होता है किसी को किसी में भी। जी हाँ दोस्तों, आँख बंद करके हम खेल रहे हैं दोस्तों, सीख रहे हैं और अपना डर, जी हाँ, जो मन में डर रहता है उस डर को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप काम करेंगे इस टाइप से तभी तो ना आपका डर दूर होगा और नॉलेज गेन करेगा। एक टेप की सहायता से इसे हम सेव कर लेते हैं ताकि करंट मत मारे। दोस्तों, बिजली का काम करने समय आप बिल्कुल सावधानी, जितनी भी सावधानी हो सके उन सावधानियों को पहले करना है, उसके बाद काम करना है। इसे हम टेपिंग कर लेते हैं ताकि करंट का झटका हमें ना मारे। और यह जो ज़रूरत नहीं है, जिसे हमने काट दिया था, जो ज़रूरत नहीं है इसे भी हम टेप मार देते हैं ताकि हाथ वाथ इसमें छुआ ना जाए। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हमने पैक कर दिया है। दोस्तों, अगर हम ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं और हमें रेजिस्टेंस बताता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वह शॉर्ट नहीं है। ट्रांसफार्मर को चेक करने का तरीका वही है कि हम उसे रेजिस्टेंस चेक करें, अगर रेजिस्टेंस बता रहा है कुछ ना कुछ तो वह शॉर्ट नहीं है। मैंने ये बिजली में लगा दिया है और स्विच चालू कर दे रहा हूँ। ये मैंने स्विच चालू कर दिया, भूम भराव कुछ भी आवाज़ नहीं दिया है, इसका मतलब है कि शॉर्ट नहीं हो रहा है। अब ये मैंने इसमें 220 वोल्ट जैसे बताया था आपको कि जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस था, उन दो वायर को यूज करके मैंने 220 वोल्ट इसमें डाल दिया है। खतरा सिर्फ यहीं पर है, ये टेप मार दिया हूँ, इसके बाद खतरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये आउटपुट करेगा तो मीटर में हम क्या आउटपुट करेगा, डीसी नहीं एसी। अभी हम इसमें रेक्टिफायर नहीं लगाए हैं तो ट्रांसफार्मर के बाद इसमें 220 वोल्ट आ रहा है, जंप करके दूसरे तरफ भी एसी सर्किट ही आएगा, यानी कि इसमें एसी करंट ही आएगा और इसमें अभी प्लस माइनस कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम किसी को किसी में भी छुआ देंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है। और इसे मैंने एसी रेंज में 200 के रेंज में मैंने सेट कर दिया है अपने मीटर को। अब आपके सामने इसे हम चेक करते हैं कि कितना आउटपुट दे रहा है। पाँच दशमलव सात के आसपास हमें यह आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने जो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग वाला तार था उसे यूज कर लिए, लेकिन आउटपुट हमें 5.7 एसी दे रहा है। आइए अब हम इसमें कनेक्शन करते हैं। मेरे पास 50-10 ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका मैं उपयोग करूँगा। ये मुझे एसी मिल रहा है, तो एसी इसका एसी जो दो बीच का टांग रहता है वह दोनों एसी रहता है और इधर प्लस इधर माइनस रहता है डीसी आउटपुट करेगा ये। तो मैं इसमें जो एसी का है इसमें प्लस माइनस नहीं रहता है, तो हम किसी भी को किसी में इसमें सोल्ड कर सकते हैं। तो बीच के दो पिन को यूज करना है, ये दो पिन उसमें बीच में सोल्ड हो जाएगा। तो मैं करंट बंद करता हूँ और उसके बाद सोल्डिंग करते हैं। बीच के जो दो वायर रहते हैं इसके ब्रिज रेक्टिफायर के, वह एसी वाले रहते हैं, तो अपने को इन दोनों वायर को लेना है। और ये मैंने एसी इसमें ले दिया, ये ब्रिज रेक्टिफायर के जो दो बीच का एसी पॉइंट रहता है, एसी पॉइंट में मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें हम एक 25 वोल्ट 2200 UF इसका प्लस माइनस चेक कर लेंगे कि प्लस माइनस किधर है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, और इसमें प्लस ये है तो प्लस इधर और माइनस इधर, इसको ऐसा करके इसमें हम लगा लेंगे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया ब्रिज रेक्टिफायर के, ये प्लस वाले में हमने 25 वोल्ट 2200 UF का कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट प्लस वाले में लगा दिया है
और लास्ट वाला जो नेगेटिव डीसी वाला रहता है उसमें हमने कैपेसिटर का माइनस वाला लगा दिया है। अब हमें इसमें से प्योर डीसी मिलना चालू हो जाएगा और मिल रहे। और अब इसमें मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ क्योंकि बिना इंडिकेटर के मज़ा नहीं आता है, है ना। लाइट वाइट थोड़ा सा जलना चाहिए तो मज़ा आता है। ये मैंने एक एलईडी लिया है और इसका पॉजिटिव वाले सिरे में 1K का एक रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ और 1K वाले रेजिस्टेंस को मैं प्लस वाले में सोल्ड कर दूँगा। ये पॉजिटिव सिरा हमने पॉजिटिव में जोड़ दिया और इसका जो एलईडी का जो नेगेटिव है पॉजिटिव को 1K रेजिस्टेंस के साथ पॉजिटिव में जोड़े हैं और नेगेटिव को डायरेक्ट हम नेगेटिव में जोड़ देंगे। अब ये हमारा एलईडी लग गया और जब हम सप्लाई चालू करेंगे तो एलईडी जलेगा। अब हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को भी हम इसमें जोड़ देते हैं ताकि इसका जो आउटपुट कितना डीसी वोल्ट आ रहा है वो हमें ये इससे पता चलता रहेगा। तो इसका प्लस और येलो, प्लस वाला प्लस है पावर इंसर्ट के लिए और नेगेटिव पावर इंसर्ट के लिए, और जो येलो वाला है वह मीटर है ना, जो नापने वाला। तो दोनों को हम इसमें प्लस वाला और इसका मेजरमेंट वाला दोनों को पॉजिटिव में जोड़ दिए। अब बचा इसका नेगेटिव वाला हिस्सा, तो नेगेटिव वाले हिस्से को हम नेगेटिव वाले में जोड़ देते हैं। ये नेगेटिव वाला हिस्सा नेगेटिव में जोड़ दिए। अब हमारा वोल्ट मीटर भी जुड़ गया और ये रेजिस्टेंस एलईडी भी जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, पावर सप्लाई देकर इसे चेक करना है। ठीक है दोस्तों, मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ। ये पावर सप्लाई देने से देखिए ऑन हो गया और एलईडी के माध्यम से खूबसूरती बढ़ गई कि हमारा भाई सर्किट जो हमने बनाया है वह चालू हो गया है। अब हमने जो एसी सप्लाई इसमें दिया था वह हमें आउटपुट 7.7 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है। दोस्तों अभी हमने यह हरा वाले में लगा करके चेक किया तो हमें 7 का वोल्टेज आ रहा था जो कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग थी। ठीक है, अब मैंने इसे टेप से निकाल दिया है एक वायर को, हरा वाले को, ये जो हमने पहले लगा के रखा था जिसमें हमें 7 का वोल्टेज मिल रहा था डीसी वोल्टेज, इसे मैंने अलग कर दिया। अब मैं इसको लगा के चेक करता हूँ। एक को काला में लगा के रखा हुआ हूँ और एक का सप्लाई हम इसमें देते हैं पीले वाले में, तो हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। अब हमें 9 का वोल्ट मिल रहा है, 9.3 वोल्ट डीसी प्राप्त हो रहा है जो कि कम बाइंडिंग है। इसके बाद हमारे पास एक और बचता है यह वाला, इसमें हम अगर देखते हैं तो हमें 11.4 का वोल्टेज मिल रहा है और हमें 12 वोल्ट पाने के लिए थोड़ा सा कुछ या तो वोल्टेज कम होगा या फिर हमारा यह जो कैपेसिटर हमने लगाया है इसकी वैल्यू थोड़ा हम बढ़ा देंगे तो और बूस्ट करेगा और 12 के आसपास वो वोल्टेज हमें मिल जाएगा। ये देखिए 11.4 है, तो जो कैपेसिटर हमने लगाया है प्रैक्टिकल करने के लिए हमने कैपेसिटर को कम लगाया था, उसे हम 35 कर लेंगे और 3300 के आसपास कर लेंगे तो हमें 12 के आसपास मिल जाएगा जिससे हमारा बैटरी चार्जिंग होने लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग में हमें कम वोल्टेज मिल रहा है, उससे कम वाले बाइंडिंग में हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है और सबसे कम वाले बाइंडिंग में हमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे हम पावर ऑफ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने UPS का एक पुराना ट्रांसफार्मर निकाल करके हम उसे चेक किए हमारे काम के आ सकता है क्या नहीं आ सकता, इसके हमने प्रैक्टिकल किया। जी हाँ दोस्तों, वो पुराना जो ट्रांसफार्मर जो फेंका जाएगा वो हमारे काम का है, बिल्कुल काम का है, 5 एम्पियर का और 12 वोल्ट के आसपास हमें इसमें से DC आउटपुट मिलेगा। जो इस 12 वोल्ट से आप अपने बैटरी चार्जर चार्ज कर सकते हैं, अपने एम्पलीफायर में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक आप अपने दोस्त रमेश कुमार अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।